योजनाओं को सफल बनाने के सुझाव, सजेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर। भारत में योजनाओं को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, जैसे निश्चित उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, योजना बनाते समय सामाजिक उद्देश्यों जैसे निर्धनता को दूर करना, मानव शक्ति का उचित उपयोग करना, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना आदि को निश्चित कर देना चाहिए। प्रत्येक योजना में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए कि कितने समय में और किस सीमा तक निर्धनता को दूर किया जाएगा, आय और धन की असमानता कब तक और किस सीमा तक दूर की जाएगी। उद्देश्यों को इस प्रकार से निश्चित करने से उनकी प्राप्ति के आधार पर योजना की सफलता और असफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। भौतिक योजना, फिजिकल प्लानिंग। योजनाओं की सफलता के लिए वित्तीय योजनाओं के स्थान पर भौतिक योजनाएं बनानी चाहिए। प्रत्येक योजना को लागू करने से पहले उनका विस्तृत ब्यौरा तैयार कर लेना चाहिए और एक निश्चित समय में उस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। योजना की सफलता इस बात से नहीं जांचनी चाहिए कि उस पर निर्धारित वित्तीय साधनों को खर्च किया गया है या नहीं, बल्कि भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर योजनाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। स्थानीय आवश्यकताओं को महत्व, एम्फेसिस ऑन लोकल नीड्स। योजनाओं की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही योजना बनानी चाहिए। सारे देश की समस्या एक जैसी नहीं हो सकती। किसी क्षेत्र में सिंचाई की समस्या है, किसी क्षेत्र में अधोसंरचना की कमी है, इसलिए सारे देश के लिए एक योजना बनाना ठीक नहीं रहेगा। योजनाएं बनाते समय प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का अलग अलग अध्ययन किया जाना चाहिए। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। कम स्थापना अवधि, लेस जेस्टेशन पीरियड। योजनाओं में भिन्न भिन्न परियोजनाओं, उद्योगों की स्थापना अवधि कम किए जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, क्योंकि स्थापना अवधि का अर्थ यह है कि किसी परियोजना को शुरू करने तथा उसके उत्पादन के लिए तैयार होने के बीच की समय अवधि कहा जाता है। स्थापना अवधि को कम करने से परियोजनाओं की लागत में कमी आएगी और आर्थिक विकास की गति भी तीव्र होगी। पूंजीगत तथा उपभोक्ता उद्योगों का संतुलित विकास, बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। योजनाओं की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि पूंजीगत तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों के विकास को संतुलित महत्व दिया जाना चाहिए। यदि उपभोक्ता उद्योगों के विकास को अधिक महत्व नहीं दिया गया तो बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी। इससे अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर बढ़ जाएगा। इसी तरह यदि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को अधिक ध्यान न दिया गया तो इससे अर्थव्यवस्था की विकास की गति धीमी पड़ जाएगी। कृषि का तीव्र विकास, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। भारतीय योजनाओं की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि कृषि का अधिक तेजी से विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना चाहिए, देश में खाद का उत्पादन बढ़ाने और अच्छे बीजों का उत्पादन किए जाने का प्रयत्न करना चाहिए, सिंचाई की सुविधाओं का विकास होना चाहिए। इसके लिए सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के अलावा छोटी छोटी योजनाओं को भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में संतुलन, बैलेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। अर्थव्यवस्था के निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में संतुलित विकास का प्रबंध किया जाना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, परंतु यह क्षेत्र अपनी अकुशलता के कारण आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरी ओर
निजी क्षेत्र पर भी बहुत अधिक नियंत्रण रखा गया है तथा उस पर करों का अधिक भार डाला गया है। इससे निजी क्षेत्र भी विकसित नहीं हो सका है। औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। योजनाओं को उचित ढंग से लागू करने के लिए यह भी आवश्यक है कि कीमत स्तर को स्थिर रखा जाए। कीमत स्तर में वृद्धि होने से योजनाओं की लागत बढ़ जाती है। अनाज, कच्चे माल और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें स्थिर होनी चाहिए। कीमत स्थिरता होने से उपभोक्ता वस्तुओं व खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। ग्रामीण उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज। गाँव में कृषि के अतिरिक्त कुटीर उद्योग धंधों के विकास पर भी पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। इन उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री का भी प्रबंध किया जाना चाहिए। गाँव में अधोसंरचना के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास संभव हो सकेगा। राज्यों तथा केंद्र में सहयोग, कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। योजनाओं की सफलता के लिए केंद्र तथा राज्य में पारस्परिक सहयोग होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में जब केंद्र और कुछ राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं, इस सहयोग का महत्व और भी बढ़ जाता है। योजनाओं का निर्माण राज्यों के सहयोग तथा समर्थन से होना चाहिए तथा राष्ट्रीय हित को क्षेत्रीय हित से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र का उचित विकास, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र का उचित विकास किया जाना चाहिए। इनके प्रबंधक योग्य तथा ईमानदार होने चाहिए तथा इनके प्रबंध में राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप नहीं के बराबर होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र को योजनाओं के लिए अधिक साधन उपलब्ध करवाने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कार्यकुशलता को बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। कुशल प्रशासन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। योजनाओं की सफलता मुख्य रूप से उसे लागू करने वाले प्रशासकों पर निर्भर करती है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि योजनाओं को सफल बनाने के लिए योग्य तथा कुशल प्रशासक चुने जाएं, उन्हें काम का उचित प्रशिक्षण दिया जाए व उचित सुविधाएं भी दी जाएं, जिससे वे अपने कार्य को अधिक रुचि लेकर कर सकें। विज्ञान तथा तकनीक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का विकास किया जाना चाहिए। देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन व बहुत सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिससे वे देश में रहकर अपनी सेवाएं अर्पित कर सकें। मानवीय पूंजी का निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। योजनाओं की सफलता के लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण किया जाए और मानवीय पूंजी को विकसित किया जाए। मानवीय पूंजी के निर्माण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ट्रेनिंग आदि का उचित विकास किया जाना चाहिए। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि भारत के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का जो मार्ग चुना गया है, उसकी सफलता कुशल प्रशासकों, ईमानदार राजनीतिज्ञों, उचित योजनाओं का लागू होना व जनता के पारस्परिक सहयोग से ही हो सकती है। धन्यवाद।